हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं NCERT MCET JEE 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी गाइस, आप लोगों का यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है NCERT MCET JEE 2021 का, वो एक्सटेंड किया जा चुका है। यानी कि गाइस, आप लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अगर बाई चांस लास्ट टाइम जब एप्लीकेशन रिलीज हुआ था, तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे किसी न किसी रीजन से, तो यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सटेंड कर दिया गया है। अब एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, एक्सटेंडेड ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू अलर्ट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा देगी, उस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के लिए 27 जून, यानी कि गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे 27 जून तक एक्सटेंड किया गया है। साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दे दी गई है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग जो है फिल करके सबमिट कर सकते हैं। नाउ जस्ट इन केस फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती, कोई भी इशू होता, डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।